हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो तो इंस्टाग्राम पे दो तरह की आप स्टोरी डाल सकते हो। एक क्लोज फ्रेंड वाली, यानी जो आपके करीब दोस्त होते हैं, आप उनके लिए अलग स्टोरी लगा सकते हो जो सिर्फ वही लोग देख पाएंगे जिन लोगों को आपने सेलेक्ट करा होगा अपनी क्लोज फ्रेंड वाली लिस्ट पे। तो आप कैसे वो क्लोज फ्रेंड वाली स्टोरी लगा सकते हो वही बताने वाला आज की वीडियो में। तो कैसे वाला, आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको अपनी स्टोरी पे क्लिक करना है। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद आपको और एक स्टोरी ऐड करनी है। जैसे एक स्टोरी ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना वैसे कुछ भी ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसी ब्लैंक लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्लोज फ्रेंड। तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप उन्हीं लोगों को स्टोरी अपनी दिखा सकते हो जिन लोगों को आपने सेलेक्ट करा होगा। तो जैसे मैं इन लोगों ऐसी सेलेक्ट करता था। सेलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है और जो स्टोरी पब्लिक हो जाएगी यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करना है। जैसे स्टोरी पब्लिक हो जाएगी तो जो हमने क्लोज फ्रेंड लिस्ट में ऐड करे वही लोग ये देख पाएंगे, बाकी कोई भी इसे स्टोरी को नहीं देख पाएगा। और यहाँ पे जब ये पोस्ट हो जाएगी तो यहाँ पे आपको ऐसे ग्रीन डॉट भी ऊपर की तरफ शो करेगा जो हमारी स्टोरी देखेगा। तो अगर इस तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम पे क्लोज फ्रेंड स्टोरी लगा सकते हो। तो आज के बस इतने ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।